वर्कशीट चैप्टर नंबर 9A। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये टिम बॉट ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट फॉर ₹650 एंड सोल्ड इट टू टॉम एट प्रॉफिट ऑफ ₹75। फाइंड द सेलिंग प्राइस। तो यहां पर सेलिंग प्राइस एसपी का मतलब होता है प्रॉफिट प्लस सीपी, ठीक है। प्रॉफिट में सीपी को प्लस कर देंगे, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 725। सिंपली बस आंसर बहुत इजी था कि एसपी में एसपी निकालने के लिए प्रॉफिट और सीपी को प्लस कर दो तो आपकी एसपी आ जाएगी, 725 एसपी आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5, रामू बॉट 2 dozen एग्स फॉर ₹56, 6 ऑफ देम ब्रोक एंड ही इनकर्ड ए लॉस ऑफ ₹20 ऑन सेलिंग देम। What was the selling price of one egg? तो 2 dozen means 24 eggs. 1 dozen 12 को कहते हैं, तो 2 dozen कितना है, 24 है ना। तो 24 eggs की cost कितनी हुई, 56 रुपी। और loss कितना हुआ, उसमें हुआ 20 रुपी का। तो SP कैसे निकलेगी, SP is equal to CP minus loss। तो CP 56 है, loss 20 है, और is equal to 36। 36 जो है SP होगी, is 36, ठीक है। लेकिन ये जो एसपी है 36 रुपीज, ये कितने एग्स की होगी, 18 एग्स की, क्योंकि एग्स टोटल 24 थे, उसमें से 6 जो है टूट चुके हैं, खराब हो चुके हैं। तो अब 24 में से 18 एग्स हो गए, तो 18 एग्स को बेचा जाएगा कितने, 36 रुपीज में। तो 1 एग्स को कितने में बेचेंगे, 36/18 मीन्स 2 रुपीज, यानी एक एग की बेचने की कॉस्ट होगी 2 रुपीज। तो ये मतलब पूछा हुआ था कि एसपी ऑफ 1 एग एंड दैट इज इक्वल टू 2 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, राहुल बॉट ए पेंस एट ₹120 ए डजन। एक डजन जो है मतलब 12 पेन जो है ₹120 की कॉस्ट खरीदे गए। ही सोल्ड ₹15 ईच एंड व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। तो अब एक पेन को जो है ₹15 में जो है सेल किया गया, बेचा गया, जबकि जो है 12 पेन खरीदे कितने में गए, ₹120 के खरीदे गए। तो हम पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि एक पेन की कॉस्ट क्या होगी, परचेज की कॉस्ट प्राइस क्या होगी वन पेन की। तो 12 की कॉस्ट 120, तो 1 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 की कॉस्ट आ गई 10 रुपी। एक पेन जो है 10 रुपी में खरीदा गया और एक पेन जो है 15 रुपए में बेचा गया, तो फायदा कितने रुपए का हो रहा है, एक पेन के ऊपर कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 5 रुपए का फायदा हो रहा है, 5 रुपए का जो है प्रॉफिट हो रहा है एक पेन, ठीक है। 10 की खरीदा और 15 का बेच दिया, इसका मतलब एक पेन को बेचने पे 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, 10 × 5 इज इक्वल टू 50। 50% का प्रॉफिट होता है, 5 रुपीज का मतलब कितना होता है 50%, जब कॉस्ट जो है 10 की हो और एसपी 15 की हो और उस पर 5 रुपए का फायदा हो रहा है। तो ये 5 रुपए के फायदे को, इस 5 रुपए के प्रॉफिट को हम परसेंटेज में कैसे दिखाते हैं, तो वो परसेंटेज में हो जाएगा 50%। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए।